हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं चिकन बनाने जा रही हूँ, तो जिसके लिए मैंने चिकन को धो लिया है और 1 kg के करीब करीब मैंने चिकन लिया है। और मैरिनेट करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल, अब मैं डाल रही हूँ नमक, नमक के बाद हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, इसके बाद देगी मिर्च, और मसाले, चिकन मसाला है तो डालिए, नहीं तो होममेड मसाला भी ले सकते हैं, और मिला लेंगे अच्छी तरीके से। अब मैं डालूंगी आधा चम्मच के करीब करीब चीनी, और मिला के मैरिनेट कर होने के लिए एक साइड में रख दूंगी। तो आइए अब हम प्याज ले लेंगे, छोटा प्याज ले रहे हैं तो 10 से 15 प्याज लें आप, और बारीक बारीक काट लें। और यहाँ पे अदरक और लहसुन मैं सिलबट्टे पे पीस लूंगी। पीस रही हूँ कुछ इस तरीके से, मसाला मैं सिलबट्टे पे पीस लूंगी। और हाँ जी, मेरा मसाला पीस के रेडी हो चुका है, तब मैं इसको एक कटोरी में निकाल लूंगी। और कुकर मैंने गैस पे रख दिया था, कुकर गरम हो चुका था, तो मैंने इसमें डाला है सरसों का तेल। सरसों का तेल जब गरम हो जाए तो अब इसमें प्याज जो हमने काट के रखा था वो डाल लेंगे, और प्याज को 1 मिनट तक कम से कम फ्राई कर लेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी मिला दूंगी चारों बगल अच्छी तरीके से। इसके बाद हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा है वो भी डाल देंगे और मिला देंगे अच्छी तरीके से। और बस 1 कटोरी पानी, सारा ग्रेवी प्याज से ही बनेगा, पानी यूज ही नहीं करना है इस रेसिपी में। और कुकर बंद कर देंगे 1 सीटी लगने के लिए। और ये टमाटर का मैं प्यूरी बना लूंगी, मैंने 1 टमाटर लिया है, और ये देखिए सीटी लग चुकी है, तब मैं गैस बंद कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में काली मिर्च, इलायची, जावित्री और लौंग ले लिया है। इलायची को मैंने हल्का चूर कर लिया है, तो ये अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तब मैंने कढ़ाई रख दिया था, कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो मैंने सरसों तेल डाल दिया। तेल गर्म हो गया तो अब मैं डालूंगी खड़ी लाल मिर्च, खड़ी सूखी लाल मिर्च, इसके बाद शाही जीरा, इसके बाद जो चिकन में सीटी लग चुका था तो चिकन पलट देंगे कढ़ाई में और एक बार चला देंगे अच्छी तरीके से। और अब जो टमाटो प्यूरी बना के रखा था वो भी डाल दूंगी और चला दूंगी। और गैस का हीट जो है सीम से मीडियम के बीच में रहना चाहिए, हाई फ्लेम में नहीं बनाना है। और ये देखिए यहाँ मैंने कवर सिर्फ 1 मिनट के लिए किया था, इसके बाद चिकन का बाकी जो बनने का प्रोसेस है वो खुले में ही बनेगा, कवर नहीं करना है क्योंकि सीटी ऑलरेडी लग चुका है। और यहाँ जो मसाले मैंने
हल्का फ्राई किया था, गरम किया था, वो मैंने डाल दिया है। और अब सिम आंच पे ये बनता रहेगा। दूसरी तरफ मैंने आटा ले लिया है और प्याज, धनिया में धनिया पत्ता और हरी मिर्च बारीक काट के मैंने ऐड किया है इसमें। उसके साथ ही नमक डालूंगी, मैं दिखाना भूल गई, रिफाइंड ऑयल भी डालना है। और अभी इसको मैं अच्छी तरीके से सान लूंगी। ये देखिए हमारा पराठा के लिए आटा रेडी हो चुका है और यहाँ चिकन भी लगभग रेडी हो चुका है। तो अब मैं आधा चम्मच के करीब करीब घी डालूंगी। और थोड़ा अब हीट बढ़ा दूंगी ताकि एक बॉयल आ जाए। और अब डालूंगी गरम मसाला, और अच्छी तरीके से चला के कवर करके अब गैस बंद कर दूंगी क्योंकि चिकन बन चुका है। और अब आइए पराठा बेल लें। और ये देखिए मैंने बेल लिया है, तवा भी रख दिया था, गरम हो चुका है। तब मैं पराठा सेक रही हूँ, हल्के हल्का हल्का घी लगा रही हूँ, ज्यादा घी नहीं लगा रही हूँ। और ये देखिए हमारा पराठा रेडी हो चुका है। तो आइए प्लेटिंग की तैयारी शुरू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं चिकन निकाल लूंगी एक कटोरे में। और गार्निशिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ धनिया के पत्ते। इसके साथ ही जो मैंने पराठा बना के रखा था वो भी डाल देंगे प्लेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।